जी स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने एग्रीकल्चर का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था जो एग्रीकल्चर की जो फीचर्स हैं, इंडियन एग्रीकल्चर की जो फीचर्स हैं वो हमने डिस्कस की थी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं इंडियन एग्रीकल्चर में, भारतीय कृषि की जो समस्याएँ हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है यहाँ पर निम्न उत्पादकता की समस्या। एज वी नो कि जो हमारे पास जो इंडियन एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी की समस्या सबसे ज़्यादा है। लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मीनिंग कल भी मैंने आपको क्लियर किया था, प्रोडक्टिविटी का मीनिंग था यहाँ पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है, जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है उसकी बात की थी हमने। पर हेक्टेयर, जैसे ये एक मेजरमेंट यूनिट है हेक्टेयर आपकी, जैसे एकड़ है वैसे आपका हेक्टेयर है, तो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है उसे कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। तो ये कह रहे हैं लो प्रोडक्टिविटी मीन्स यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर में जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था यूके और इंडिया का, हमने यहाँ पर दोनों को कंपेयर किया था कि यूके का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया से 3 times ज़्यादा है, 3 times ज़्यादा है। तो वो लो प्रोडक्टिविटी ही है इंडिया की जो शो कर रही है कि यूके के कंपैरिजन में हम कहीं भी नहीं टिकते। उसके बाद चाइना से हमने कंपेयर किया था, चाइना हमारे यहाँ से देखें तो लगभग 2 times, 2 times ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। तो ये अगर देखें, ये दोनों ही चीज़ें हमें इंडियन एग्रीकल्चर की लो प्रोडक्टिविटी को शो करती हैं। तो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो लो है, वो हमेशा से ही लो रही है, बड़ी है लेकिन जो अदर कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में हम अभी भी बहुत पीछे हैं, बैकवर्ड हैं। सेकेंड हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम आती है इंडियन एग्रीकल्चर की, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। ये है आपकी वित्त की समस्या। अब वित्त की समस्या ये कहता है कि जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को बहुत सारी चीज़ें परचेज करने के लिए, जैसे सीड्स हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे आपके पास ट्रैक्टर है, ये मशीनरी है और भी बहुत सारी, ये सारी चीज़ें परचेज करने के लिए जो फार्मर है, फार्मर को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमने लास्ट एक चैप्टर में पढ़ा भी था, 3 के क्रेडिट थे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। कि जैसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट है लगभग 1 साल के लिए, आपको बीज खरीदने के लिए, कीटनाशक या फिर खाद खरीदने के लिए हमें चाहिए पैसा, तो ये कहता है वो बहुत बड़ी समस्या है। अब जो छोटे किसान हैं, जो वो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके पास इनके लिए भी पैसा उपलब्ध नहीं होता। और अगर मध्यम श्रेणी के जो किसान हैं, जो मशीनों खरीदना चाहें, उनके पास इस चीज़ के लिए पैसा उपलब्ध नहीं होता। दूसरा अगर देखें, वो इसके लिए अगर मान लो लोन लेते हैं, तो लोन की अगर हम बात करते हैं तो आज की डेट में भी बहुत से फार्मर्स मनी लेंडर्स के पास जाते हैं। मनी लेंडर्स क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उनसे लोन के ऊपर। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो भूस्वामी हैं, वो भूस्वामी पैसे तो दे देते हैं, फाइनेंस जो है, जो वित्त है वो तो उपलब्ध करवा देते हैं, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट पर। तो उनको उनकी पेमेंट करते करते सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है किसान के लिए, जो बचत है वो ना के बराबर रह जाती है, सारा पैसा इंटरेस्ट में चला जाता है, इंटरेस्ट और लोन की पेमेंट करने के लिए। उसके बाद अगर देखें, उसके बाद और क्या समस्या है, एक ये समस्या है आपकी लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन। परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन का मतलब है यहाँ पर सिंचाई के जो स्थाई साधन हैं, परमानेंट मीन्स स्थाई साधनों को कहा जाता है, जो स्थाई साधन है, ये दोबारा लिख देता हूँ मैं, स्थाई साधन है मीन्स हमारे यहाँ अगर देखें
जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर है इंडिया की वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे बिहार, यूपी, उड़ीसा, वहाँ अगर देखा जाए रेन को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि वहाँ और कोई सोर्स है ही नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि अगर अच्छी बारिश होगी तो फसल अच्छी हो जाएगी, पैदावार अच्छी हो जाएगी, नहीं हुई तो नहीं होगी। तो समस्या क्या है कि हमारे यहाँ जो स्थायी साधन है, जो परमानेंट सोर्सेज हैं, जैसे जैसे जो कैनाल वाटर है, जो नहरी पानी है, वो उपलब्ध नहीं है। रिवर इरिगेशन है, नदी से जो सिंचाई होती है, नदी का पानी उपलब्ध नहीं है। तो ये जो परमानेंट मीन्स हैं, ये जो रेन है, ये तो स्थायी साधन नहीं है, तो अस्थायी है। हर साल जरूरी नहीं है बारिश हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो। तो ये कहता है परमानेंट मींस की रिक्वायरमेंट है, वो बड़ी एक प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट अगर देखें और कौन सी प्रॉब्लम आती है इंडियन एग्रीकल्चर की, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। स्मॉल का मीनिंग यहाँ पर, स्मॉल का मीनिंग छोटे, स्कैटर्ड बिखरे हुए, होल्डिंग्स जोते, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कल भी हमने डिस्कस किया था, स्मॉल होल्डिंग्स मैंने फीचर बताई थी इंडियन एग्रीकल्चर की। अब होल्डिंग्स क्या है, जोते मीन्स जोते हैं आपका पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड का मीनिंग है जो कृषि भूमि है, कृषि भूमि का आकार। अब यहाँ पर अगर देखें भारत के अंदर, या तो स्मॉल होल्डिंग्स हैं, स्मॉल होल्डिंग्स मीन्स या तो फार्मर्स के पास जो भूमि है वो थोड़ी है बहुत, या फिर अगर देखें उनकी जो ज़मीन है वो बिखरी हुई है, वो एक जगह नहीं है, थोड़ी सी इधर है, थोड़ी सी आगे है, थोड़ी सी कहीं है, मतलब दूर दूर बिखरी हुई है। अब जो छोटी, जिनके पास छोटा आकार है भूमि का, कुछ एकड़ ज़मीन है, एक एकड़ दो एकड़, वो ना तो मशीनरी यूज़ कर सकते हैं। क्यों, स्मॉल होल्डिंग्स में मशीनरी कैसे यूज़ करें, बचत ही नहीं होगी, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। बिखरी जोते भी एक समस्या है। बिखरी जोते समस्या क्यों है, बिखरी जोते समस्या इसलिए है क्योंकि टाइम और मनी दोनों की वेस्टेज होती है बिखरी जोतों की वजह से। बिखरी जोतों का मतलब है कि आप पहले एक जगह, एक जो लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा पार्ट है, वहाँ जाते हैं, वहाँ अपना टाइम कंज्यूम करते हैं जो एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर के अंदर, फिर एक जगह से फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर तीसरी जगह जाते हैं, तो बहुत सा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है केवल यहाँ एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह पहुँचने में ही। अगर यही सारी जो ज़मीन है, जैसे 3 एकड़ हमने दिखाए हैं, अगर यही सारी ज़मीन एक जगह होती तो उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाता, टाइम भी सेव होता, मनी भी सेव होती। तो ये एक बड़ी समस्या है। उसके बाद अगर देखें लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, ये कहता है आज की डेट में भी अगर चेक किया जाए ना, हमारे यहाँ जो लैंडलॉर्ड है, जो भूमि का मालिक है, और टेनेंट जो भूमि का किराएदार, उनके बीच में झगड़े चल रहे हैं। ये कल भी हमने डिस्कस किया था, वो इंडियन एग्रीकल्चर की जो फीचर्स हैं उसके अंदर दिया गया था। अब ये दे रखा है प्रॉब्लम के अंदर, लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, भूमि के मालिक और भूमि के किराएदार के बीच में झगड़े चल रहे हैं। जो भूमि का किराएदार है वो कम किराया देना चाहता है ताकि उसे थोड़ी सी बचत हो जाए, लैंडलॉर्ड वो जो है वो उसे ज़्यादा किराया चाहिए, जो लैंडलॉर्ड है उसे हाई रेंट चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स, दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं या दोनों के संबंध खराब हो जाते हैं। और लास्ट जो हमारे पास जो प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर की, वो है कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक है परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण का मतलब है यहाँ पर जो पुराने समय से दृष्टिकोण, जो नज़रिया चला आ रहा है। पुराने समय से नज़रिए का मैंने मीनिंग क्या है कि आज की डेट में भी बहुत से फार्मर्स केवल निर्वाह खेती करते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी केवल अपने गुजारे के लिए खेती करते हैं, जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो निर्वाह खेती मैंने आपको लास्ट में बताया था, जो इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो वो क्या करते हैं, आज की डेट में भी वो उन्हीं क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो पिछले कई सालों से चलता चला आ रहा है, बहुत सालों से चलता चला आ रहा है, उसी का प्रोडक्शन कर रहे हैं।
वो क्या करते हैं, वो केवल ये देखते हैं कि अपने खाने के लिए अनाज पैदा करें, यानी जो प्रोडक्शन है वो अपने खुद के लिए पहले हो, जबकि वो ऐसी जो क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन नहीं करते जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। कॉमर्शियल का मतलब है कॉमर्शियल क्रॉप्स जो प्रॉफिट देने वाली क्रॉप्स हैं आपकी, यानी जो मार्केट के अंदर सेल हो सकती हैं इजीली और जिनका अच्छा रेट मिलता है, जिनकी डिमांड है मार्केट के अंदर, उन कॉमर्शियल क्रॉप्स को बिल्कुल भी अपने यहाँ उनका प्रोडक्शन नहीं करते हैं। और रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि उनका जो प्रॉफिट है उनको प्रॉफिट नहीं होता, होता है तो बहुत कम होता है, ना के बराबर। तो ये कहता है ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर आज से नहीं है, ये बहुत टाइम से चली आ रही है। तो नेक्स्ट डे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे में इनका सॉल्यूशन खोजेंगे कि गवर्नमेंट ने इनका क्या क्या सॉल्यूशन किया है। ये आज की डेट में अगर देखें, ये पिछले काफ़ी टाइम से हैं, इनमें सुधार भी हुआ है, तो आज की डेट में इनमें क्या क्या चेंज आ चुका है, तो नेक्स्ट डे में हम ये डिस्कस करेंगे। यानी नेक्स्ट डे में हम देखेंगे जो प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर की, उनका सॉल्यूशन क्या हुआ है, या मेजर्स टू रिमूव दीज प्रॉब्लम्स, की कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं इन समस्याओं को खत्म करने के लिए।